वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों आज शनि जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज शनि जयंती के अवसर पर एक बहुत ही महा उपाय बताने वाली हूँ आपको, जो आपके जीवन को बदल देगा। चलिए सुनते हैं। दोस्तों आज अमावस्या है और साथ ही साथ ज्येष्ठ अमावस्या है, साथ ही साथ गुरुवार के दिन शनि जयंती पड़ रही है। तो आज के दिन अगर हम ये उपाय कर लें तो इससे शनि भगवान भी प्रसन्न होंगे और बृहस्पति जी भी, हमारे गुरु बृहस्पति जी भी प्रसन्न होंगे। दोस्तों उपाय बहुत आसान है। हमें नहा धोकर पूर्व दिशा की ओर बैठना है मुंह करके, और अपने सामने एक घी का दीपक जलाना है और जो गाय के गोबर का कंडा होता है उसको अंगारा बनाना है। गैस पे रख के आप उसको अंगारा बना दीजिए, अध जला, नीचे थोड़ा सा ऊपर से अंगारा बन जाए, थोड़ा सा उसमें गोबर का कंडे का पार्ट भी बचा रहे, तो उसे आप मिट्टी का छोटा सा हवन कुंड मिलता है मार्केट में मिट्टी का, पितृ देवों का आह्वान करें और घी का उस कंडे में जो हमारा हवन कुंड में रखा है हमने कंडा, उसमें हम अंगारे के ऊपर एक चम्मच घी डालें पितृ देवों का आह्वान करते हुए, और साथ ही साथ प्रसाद के तौर पे दो रोटी, जो पहली दो रोटियां निकाल लें, और दो मगज के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू, पीले लड्डू। तो दोस्तों आज गुरुवार के दिन शनि जयंती है इसीलिए पीले लड्डू की बात हो रही है। दोस्तों आज भगवान बृहस्पति को भी हमें प्रसन्न करना है तो भोग पीला लगाएंगे। ओम पितृ देवाय नमः स्वाहा। रोटी का एक छोटा टुकड़ा उसमें अग्नि में हम डाल देंगे और थोड़ा सा मोतीचूर के लड्डू का छोटा सा टुकड़ा भी अग्नि देव को समर्पित कर देंगे। इसी प्रकार दूसरी बार फिर से हम आह्वान करेंगे ओम पितृ देवाय नमः। अभी दूसरी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़ करके अग्नि को समर्पित करेंगे और दूसरे लड्डू का एक छोटा सा टुकड़ा भी अग्नि में समर्पित करेंगे। इसी प्रकार तीसरी बार फिर से ओम पितृ देवाय नमः। अब किसी भी रोटी में से एक टुकड़ा और तोड़ेंगे और अग्नि को समर्पित करेंगे, और किसी भी लड्डू में से एक टुकड़ा तोड़ेंगे और अग्नि को समर्पित करेंगे। अब प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैं शरणागत हूँ, कोई कमी बेशी अगर मेरे पूजन में रह गई हो तो क्षमा करना प्रभु, और साथ में ही जो लोटे पे जल रखा है उसको एक हथेली में आचमन में लेके चारों तरफ से छिड़क देंगे और प्रणाम कर लेंगे। दोस्तों माथा टेक लेंगे उस स्थान पे हम। दोस्तों जो बची हुई रोटी और लड्डू वो आप गाय को खिलाएं। आज के दिन ये उपाय कर लें, आपका जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा, पितृ देव आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं, सभी काम आसानी से होने लगेंगे। दोस्तों हाँ दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मेरा चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय शनिदेव, आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली रहे।